गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि महाजनपदों के उदय के क्या क्या कारण रहे, जिनकी वजह से जो वैदिक काल के कपिलियाई जन थे वो महाजनपद बने। इस वाले टॉपिक में हम इन जो नए महाजनपद बने हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, उनकी राजधानियों के बारे में और उनके जो प्रमुख प्रमुख है उनका हम अध्ययन करेंगे। साहित्यिक स्रोतों में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख है वे हैं अंग, मगध, काशी, वत्स, कौशल, सूरसेन, पांचाल, कुरु, मत्स्य, चेती, अवंती, गंधार, गंधार के बाद है कंबोज के बाद में है अश्मक, वज्जी तथा मल। पाली साहित्य में अंग देश है, ये अंग है, ये वाला देखिए ये अंग है, अंग का उल्लेख मिलता है, ये अंग है। इसकी राजधानी जो थी अंग की, इसकी राजधानी थी चंपा, यानी कि जो अंग है उसकी राजधानी है चंपा। आधुनिक ये जो चंपा है ये आधुनिक भागलपुर व मुंगेर के इलाके में प्राचीन अंग देश में सम्मिलित था। गौतम बुद्ध के समय में अंग और मगध जनपदों में सदा युद्ध की स्थिति ही बनी रहती थी। कुछ समय के लिए मगध अंग देश का भाग बन गया, परंतु शीघ्र ही अंग का पतन हो गया और बिंबिसार ने न केवल मगध बल्कि अंग को भी अपने अधिकार में कर लिया। पाली साहित्य में मगध, अब ये जो मगध है ये देखिए ये मगध है ये सारा, और इसकी जो राजधानी है इसकी राजधानी गिरिव्रज का वृत्तांत मिलता है। यह आधुनिक पटना और गया के जिलों में थी। काशी जनपद है ये देखिए हिमालय की तलहटी वाले एरिया जो है उसमें है काशी जनपद, और इसकी जो राजधानी है काशी जनपद की राजधानी वह थी वाराणसी। समय पर इसके नरेशों का कौशल के साथ युद्ध हुआ, कभी विजय काशी की होती और कभी कौशल की। गौतम बुद्ध के समय काशी का राजनीतिक पतन भी हो गया था, यह कुछ समय तक कौशल देश का अंग था। मगध और कौशल में भी काशी को लेकर संघर्ष आरंभ हो गया था। अजातशत्रु के समय में काशी मगध का अंग बन गया था। अगला जो जनपद है वो है वत्स जनपद। वत्स जनपद आधुनिक इलाहाबाद के का क्षेत्र था और कौशाम्बी जो है ये कौशाम्बी है, यहाँ पे कौशाम्बी जो है वो वत्स की राजधानी थी। संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध उज्जैन जो बुद्ध का समकालीन माना जाता है इसी जनपद से संबंधित था। अवंती के राजा प्रद्योत के साथ इसकी शत्रुता के विषय पर कई मनोरंजन कहानियां मिलती हैं, जिसमें वासुदत्ता और उद्यन के आपस में इनकी कहानियों का भी उल्लेख है। अगुत्तर निकाय में कौशल जनपद का भी उल्लेख है। कौशल की सीमाएं जो कौशल जनपद है देखिए ये कौशल है, इसकी जो सीमाएं हैं वो पूर्व में सदा नीरा नदी, पश्चिम में पांचाल सर्पिका नदी के दक्षिण में और उत्तर में नेपाल की तलहटी थी। सरयू नदी इस जनपद को दो भागों में बांटती थी, एक उत्तरी कौशल था जिसकी ये उत्तरी कौशल है, इसकी जो राजधानी थी वो थी श्रावस्ती, और दक्षिणी कौशल जो है उसकी राजधानी थी कुशवती। काशी की विजय से कौशल काफी शक्तिशाली हो गया और कपिलवस्तु के शाकों को भी आतंकित करने लगा। इस राज्य का महत्वपूर्ण राजा प्रसन्नजीत था जो बुद्ध का समकालीन था। इसने मगध के अजातशत्रु के साथ एक लंबे समय तक दूरी बनाने की कोशिश की।
शूरसेन राज्य की जो राजधानी थी, शूरसेन वाला ये राज्य, ये वाला पार्ट है, यानी कि अपने भारत के अंदर दिल्ली मथुरा वाला जो पार्ट है वहां, और इसकी जो राजधानी थी वो राजधानी थी इसकी मथुरा। शूरसेन राजा अवंतीपुत्र महात्मा बुद्ध का अनुयायी था और उसने ही अपने राज्य में बौद्ध धर्म का प्रसार करवाया। राजा के नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि मथुरा और अवंती के बीच वैवाहिक संबंध थे। पाणिनि के समय में अंधक तथा वृष्णि जन का वास स्थान मथुरा में था। कालांतर में इन जातियों ने एक पारस्परिक संघ की स्थापना की थी। पांचाल जनपद उत्तर वैदिक काल से ही बहुत अधिक प्रसिद्ध था। ये देखिए, ये पांचाल जनपद है, ये सारा, इसके दो भाग थे, उत्तरी पांचाल तथा दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिचत्र थी तथा दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी थी वो थी कांपिल्ले। कन्नौज का प्रसिद्ध नगर उन दिनों पांचाल प्रदेश में ही स्थित था। अधिकांश आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसी जनपद के अंतर्गत आता है था। हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक तथा पूर्व में कौशल और पश्चिम में कुरु जनपद इसकी सीमाएं थी। पांचाल के समय समान ही कुरु भी उत्तर वैदिक साहित्य में काफी, ये देखिए ये वाला हिस्सा कुरु जनपद का है, ख्याति प्राप्त कर चुका था। वास्तव में ब्राह्मण ग्रंथों में तो कुरु पांचाल का जोड़ा अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता था, जिन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। कुरु जनपद आधुनिक मेरठ जिला और दक्षिण पूर्व हरियाणा का प्रदेश था। जातकों के अनुसार इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। यादवों, भोजों और पांचालों के साथ कुरु राजाओं ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। वत्स प्रदेश में जिस राजतंत्र की स्थापना हुई वह संभवतः कुरु की ही शाखा थी। यह संभवतः उस समय हुआ होगा जब कुरु प्रदेश का महत्वपूर्ण नगर हस्तिनापुर बाढ़ में नष्ट हो गया होगा। अगला है मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद का जो अपने राजस्थान वाला पार्ट है उसके अंदर मत्स्य जनपद आता है। आधुनिक जयपुर क्षेत्र के आसपास का था। विराट नामक संस्थापक के नाम पर इसकी राजधानी विराटनगर थी। साहित्यिक स्रोतों में अपर मत्स्य, वीर मत्स्य आदि का उल्लेख है। वे संभवतः मूल राज्य की ही शाखाएं होंगी। मत्स्य प्रदेश कभी चेदी जनपद के भी अधीन था। प्राचीन काल में चेदी महाजनपद यमुना नदी के किनारे पर स्थित था। ये देखिए यहाँ पे ये है चेदी महाजनपद। इसकी सीमा कुरु महाजनपद के साथ जुड़ी हुई थी। आधुनिक बुंदेलखंड का इलाका ही प्राचीन महाजनपद था। कलिंगा में जिस चेदी वंश का राजा खारवेल था वह संभवतः इसी चेदी प्रदेश की शाखा ने ही स्थापित किया होगा। पश्चिमी भारत में अवंती, ये अवंती जनपद वाला एरिया है सारा, अवंती जनपद महत्वपूर्ण था। आधुनिक मालवा में मध्य प्रदेश के कुछ भागों से मिलकर अवंती जनपद बना था। प्राचीन समय में अवंती के दो भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती जिसका प्रमुख नगर महिष्मति था। वर्धमान महावीर तथा गौतम बुद्ध के समय में महाराज चंड प्रद्युत अवंती के राजा थे। अवंती बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था तथा अनेक बौद्ध थेर व थेरी यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए थे। पुराणों के अनुसार चंड प्रद्युत शक्तिशाली राजा था। उसके समय में अवंती का वत्स, मगध तथा कौशल के साथ युद्ध हुआ था। मगध सम्राट शिशुनाग ने अवंती को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। अवंती राज्य का पर्याप्त आर्थिक महत्व रहा है क्योंकि अनेक व्यापार मार्ग इस प्रदेश से होकर ही गुजरते थे। प्राचीन भारत के में उत्तरी भाग में जिसे उत्तरापथ भी कहते हैं, इसमें दो जनपद थे। एक तो है गांधार महाजनपद, ये देखिए ये गांधार महाजनपद जो है ये उसका एरिया है। गांधार महाजनपद आधुनिक पेशावर तथा रावलपिंडी के इलाके में था। इसकी राजधानी तक्षशिला प्राचीन काल में विद्या तथा व्यापारिक का प्रमुख केंद्र थी। तक्षशिला ये यहीं पे स्थित है। इसकी
ईसापुर छठी शताब्दी में कंधार में पुष्कर सारेन राज्य करता था। उसने अवंती के साथ युद्ध किया और चंड प्रद्योत्य को हराया। मगध के साथ उसके संबंध अच्छे थे। वहां उसने अपना राजदूत तथा बिंबिसार के नाम पर पत्र भी भेजा। कंबोज प्रदेश उत्तरापथ में ही स्थित था। ये कंबोज प्रदेश है यहाँ पर। आधुनिक काल में राजौरी और हजारा जिले में प्राचीन कंबोज स्थित सीमित था। कंबोज में पहले तो शासन की बागडोर राजा के हाथ में थी, परंतु कौटिल्य के समय यह एक संघराज्य बन गया था। अगुत्तर निकाय में अश्मक जनपद का भी उल्लेख है। अश्मक जनपद इसकी राजधानी कोटक थी। यह जनपद गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। अश्मक और मूलत प्रदेश एक दूसरे के पड़ोसी थे। दोनों ही इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय थे। मगध के उत्तर में वज्जी संघ स्थित था। यह संघ 8 कुलों के सहयोग से बना हुआ था और इसमें 3 कुल प्रमुख थे, विदेह, वज्जी और लिच्छवी। विदेह कुल की राजधानी वैशाली थी। इसमें 3 जिलों का उल्लेख है जो 3 कुलों के प्रमुख क्षेत्र थे। 16 महाजनों का विवरण देते हुए अगुत्तर निकाय में मलराष्ट्र का भी उल्लेख आया है। इस भाग के दो हैं, इसमें एक की राजधानी कुशीनगर और दूसरे की इसमें पावा थी। इन सब जनपदों में शासन का प्रकार एक सा नहीं था। कुछ राज्यों में राजतंत्र था, कुछ में गणतंत्र। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार पूर्व दिशा यानी कि मगध, कलिंग, वंग आदि के जो राजा हैं उनका साम्राज्य के लिए अभिषेक होता है और वे सम्राट कहलाते थे। दक्षिण दिशा में जो यादव राज्य हैं वहां का शासन भोज्य है और उनके शासक जो हैं वो भोज कहे जाते हैं। पश्चिमी दिशा में का जो शासन है वह स्वराज्य है और उसके शासक जो हैं स्वराट कहलाते हैं। उत्तरी दिशा में हिमालय के क्षेत्र में जो राज्य हैं वहां वैराज्य प्रणाली है और वहां के शासक जो हैं वो विराट कहलाते हैं। मध्य देश के राज्यों के शासक राजा कहे जाते हैं। इस प्रकार ऐत्रेय ब्राह्मण में साम्राज्य, भोज्य, स्वराज्य, वैराज्य, राज्य इन 5 प्रकार की प्रणालियों का उल्लेख है। सम्राट वे शासक थे जो वंशानुक्रम थे। वे भी अपनी शक्ति के विस्तार के लिए अन्य राज्यों का भूलाच्छेद करने को हमेशा तैयार रहते थे। जरासंघ आदि मगध सम्राट इसी प्रकार के थे। भोज शायद उन राजाओं को कहते हैं जो वंशानुक्रम न होकर कुछ निश्चित समय के लिए अपने पद पर नियुक्त थे। यादवों में यह प्रथा विद्यमान थी। कुरु पांचाल आदि देश के जनपद राज्य कहलाते थे और वहां प्राचीन काल की परंपरागत शासन प्रणाली विद्यमान थी। राजतंत्र जहां राजा का पद वंशानुगत होता था के बारे में कुछ अधिक जानकारी प्राप्त है। राजा की सहायता के लिए अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, जिनमें है प्रमुख संग्रहित, सूत, ग्रामीणी, भागदूत, पुरोहित आदि। ये लोग राजा के प्रति उत्तरदायी थे और इन्हें कर से प्राप्त हुए धन में से वेतन दिया जाता था। इन्हें रत्निंदे कहा जाता था। स्थानीय शासन की देखरेख एक विशेष मंत्री करता था। पुरोहित धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार होता था। सेना के प्रधान जो है वो सेनानी कहलाते थे। राज्यारोहण के समय किए जाने वाले यज्ञ व कर्मकांड में देवताओं से प्रार्थना की जाती थी कि वे राजा को अपने सब गुण प्रदान करें। इससे राजा की शक्ति